नमस्कार दोस्तों, अंकित बिजनेस ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक और शानदार बिजनेस रिलेटेड वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों, जो भी मेरे भाई व्यापार करना चाहते हैं या अपना जिनका बजट कम है, वो अपने व्यापार की शुरुआत कीजिए। दोस्तों, पहले आप अपने मार्केट में जाइए, मार्केट में होलसेलर के पास जाइए, वहां पे जाके रेट ट्राई कीजिए, उनसे कुछ माल लीजिए, फिर आप अपने छोटे छोटे एरिया के दुकानों पे निकल लीजिए, कुछ मार्जिन लेके आप उधर से काम कीजिए। फिर आप ज्यादा, जब आपका व्यापार चलने लगे ना दोस्तों, फिर आप उसको हाई मतलब लेवल पे बढ़ा सकते हैं। फिर आप ये आइटम्स की खरीदारी बाहर से, दिल्ली से या और कहीं आपको सस्ता मिले वहां से कर सकते हैं। ब्रांडेड आइटम्स की तो ऐसी बात है दोस्तों, आपके अपने मार्केट के अंदर भी बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, उनसे आप क्वांटिटी में बाई करोगे ना तो उधर से भी अच्छी रेटें मिल जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले टूथब्रश के व्यापार के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास दुकान नहीं है तो दुकान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई किसी प्रकार का रेंट पे खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपके पास बाइक भी नहीं है ना दोस्तों, साइकिल तो होगी, तो आप साइकिल से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कितना ही कम बजट है ना, तो वैसे भी शुरू कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रकार का साधन है तो आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास बाइक नहीं है तो आप कम एरिया कवर करके भी मार्जिन कमा सकते हैं दोस्तों। बट मेहनत आपके ऊपर करती है दोस्तों, क्योंकि जितना मेहनत आप करोगे उतना ही मार्जिन आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन टूथब्रश के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों, 10 रुपए की सेल का ये आइटम है, 120 रुपए दुकानदार को बनने वाला है। ये मार्केट में दोस्तों 84 रुपए दर्जन तक बिकता है। अब भाई, किसी भाई का कमेंट आएगा तो मेरे मार्केट में 60 का मिल रहा है, 72 का मिल रहा है। दोस्तों, डिपेंड करता है हर एक मार्केट में। अगर आप छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में जाओगे ना तो वहां 84-72 तक सेल होता है। दोस्तों, इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग आती है दिल्ली से, अगर आप बाई करते हैं तो ये 48-50 मतलब 50 रुपए के अंदर 3-4 पत्तों भी लोगे ना आप तो 50 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। और दोस्तों, सदर बाजार जाइए, मार्केट घूमिए और देखिए क्या रेट मिल रहा है। 10 दुकानों पे, अलग अलग दुकानों पे रेट ट्राई कीजिए, क्वांटिटी बोलिए कि एक कार्टून इसका चाहिए क्या रेट पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि ये मान के चलो दोस्तों, आपको 50 मतलब ये आपको 47 रुपए के अंदर आपको कार्टून पड़ा, 5 रुपए आपका इसके खर्चा आ गया आपको घर तक लेके आने में, ठीक है, 52 रुपए। तो 52 रुपए का पड़ने के बाद अगर आपने 72 में बेच दिया ना, तो 20 रुपए पर पत्ते का मार्जिन आपको मिल गया। दोस्तों, अगर 20 पत्ते भी आप बेचते हो ना, तो 400 रुपए एक आइटम पे कमा रहे हो दोस्तों। अगर आप बट दोस्तों, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दुकानें ज्यादा से ज्यादा आपको कवर करनी पड़ेगी। हमारा काम है कि आपको बिजनेस आइडिया बताना कि आप ऐसे भी इस आइटम को बेच के कमा सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट आइटम, इसी के साथ आप 4-5 आइटम बच्चों की रेंज ऐड कर सकते हो और ऐसे ब्रांडेड आइटम भी आप साथ लेके चलो। दोस्तों, ये आइटम देख सकते हो दोस्तों, 11+2 की स्कीम है, 11 तो 20-20 वाली ब्रुश है, यानी आपको 220 रुपए का तो माल दुकानदार को वो हो गया और 60 रुपए का माल दो स्कीम आई है, तो 280 रुपए का माल ये दोस्तों आपको मिलने वाला है 120 रुपए के अंदर। 120 भी है, क्वांटिटी लोगे तो 118-117 तक भी हो जाता है। तो दोस्तों, आप 260 रुपए का दोस्तों ये 280 रुपए दुकानदार को इसके बनने वाले हैं। 220 रुपए तो 11 के हो गए प्लस 260 रुपए, तो 280 रुपए दुकानदार को बनने वाले हैं इस आइटम पे। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको 117 का, जैसे कि आपने 120 का बाय किया बट क्वांटिटी होगी ना, तो 117-18 का हो जाएगा, 118 हो गया, ठीक है, 5 रुपए इसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह मान लो, तो 118-5 123 रुपए हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, आप मार्केट में 150 का बेचोगे या कितने का बेचोगे। आप एक बार ट्राई कीजिए, मार्केट घूमिए और निकलिए, देखिए कि आपके वहां पे कितने का बिक रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रेट डिसाइड कीजिए। क्योंकि अगर आपके मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है ना, तो थोड़ा सा सस्ता बिक रहा होगा, और अगर आपके मार्केट में कंपटीशन नहीं है ना, तो काफी महंगे रेट में ये बिक रहा होगा। तो अगर आप 150 का भी बेच देते हो ना दोस्तों, 150 का भी बेच देते हो, तो मतलब ये है कि अगर आपके 123 का पड़ता है और 150 का बेच दिए, तो 27 रुपए पर पत्ते का मार्जिन हो गया। 27 मत मानिए, 25 रुपए पर पत्ते का मार्जिन हो गया ना, तो 10 पत्ते भी इसके निकाल दिए ना आपने, तो 250 रुपए कमा लिया आपने। तो दोस्तों, ऐसे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करने हैं, जैसे कि अगर इतना कर लेना है दोस्तों कि आप 15-20 हजार रुपए महीने का आराम से कमा लो, इतने आइटम आप ऐड कर लो। जैसे टूथब्रश का काम करना है आपको, 8-10 प्रकार की टूथब्रश की वैरायटी ऐड कर लो, इसके साथ साथ जो इससे संबंधित डेली यूज के आइटम है ना, तो उनको ऐड कर लो और मार्केट में निकल जाओ। देखो दोस्तों, सेल आएगी आएगी, क्योंकि मेहनत आप करोगे ना और रेट आप अच्छी दोगे ना, तो बिकने ही बिकने वाला है, ऐसा नहीं कि वो नहीं बिकेगा। क्योंकि डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितनी दुकानों पे जाते हो, कैसे दुकानदार को मतलब आप मनाते हो आपके प्रोडक्ट लेने के लिए, कैसे आप दुकानदार के साथ बिहेवियर करते हो, आपके व्यवहार पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। जितना आप सस्ता दोगे ना, उतना ही मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम है।
ट्राई कीजिए, नई नई दुकानों पे जाइए और नए नए बिजनेस आइडियाज के साथ हम लेके आते रहेंगे दोस्तों। वीडियो हमारी रेगुलर आती रहेगी, जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा ना वैसे वैसे हम नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों हम तो यही कहेंगे, एक बार आप मार्केट में जाओ, एक बार सर्वे करो मार्केट का, एक बार आप अपने होलसेलर के पास जाओ, वहां पे मैंने 120 बताया, वहां पे रेट ट्राई करो क्या रेट में बिक रहा है। अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो दोस्तों आपको और बेनिफिट मिल जाएगा, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ही मार्केट के होलसेलर के से बाय कीजिए और फिर अपने एरिया के छोटे छोटे गाँव में जाइए, वहां पे जाके सेल कीजिए। क्योंकि छोटे छोटे गाँव में क्या है ना, लोग बाग बाहर मार्केट में नहीं जाते हैं, वो क्या करते हैं सेल्समैन से ही बाय करते हैं, क्योंकि उनको वहां पे घर बैठे माल मिल जाता है, तो वो उसी से सुटेबल रहते हैं कि उनको घर बैठे सामान बाय करने को मिल जाता है, तो कहीं बाहर जाने से बचते हैं। दोस्तों मैं तो यही बोलूंगा कि एक बार आप अपना व्यापार स्टार्ट कीजिए, घर बैठ के ही कर सकते हैं ये काम को, बाहर मतलब आपको कोई शॉप लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और दोस्तों बेरोजगार रहने से अच्छा है अपना छोटा मोटा कोई भी काम करो, अपने मतलब दोस्तों अपने पैरों पे खड़े हो, वो कहावत है ना कि मतलब किसी के ऊपर आश्रित रहने के बजाय अपने पैरों पे खड़े हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर दीजिए, ऐसी नई नई वीडियो आगे देखते रहने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।